तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसके बीच में दो बेड का बीच का पूरा माल उठा के बीच में इन्होंने रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो किसान भाइयों, इसका मार्केटिंग पहले कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ। जब इसका 60-65 दिन 70 दिन हो जाता है तो ये माल हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। अभी ये 70 दिन का है, तो 70 दिन इसको क्यों लगा है, क्योंकि ठंडी चल रही है अभी, इस वजह से पूरा इसको 70 दिन लग रहा है। तो गर्मी रहती है तो 50-60 दिन में इसका हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। तो इसको पहचाना कैसे जा सकता है कि मार्केट के लिए माल आ गया, ये जैसे कि देख सकते, ये पूरा ना गद्द गद्द बोलता है, ये देख सकते हैं। अगर ऐसे गद्द गद्द बोलेगा और पूरा एकदम काला हो जाएगा, इसके ऊपर ऐसे पाउडरी टाइप आ जाएगी, तो समझिए ये पूरा हनुमाना तैयार हो गया है। तो किसान भाइयों, आखिरी के स्टेज में अगर आप पोटैश की मात्रा अच्छी बढ़ाएंगे तो आपका हनुमाना अच्छा होगा, बड़ा होगा, साइज में अच्छा होगा। यहाँ पे लगभग ये मुझे 4 किलो के आसपास का पूरा हनुमाना दिख रहा है, और पीछे भी बचा हुआ है माल, पीछे माल जो बचा है वो फिर इसका निकलेगा दूसरे हार्वेस्टिंग पे। जनरली इसका एक ही हार्वेस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे दो हो रहा है, क्योंकि ठंडी की वजह से माल जो आगे पीछे हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो इन्होंने दो दो लाइन के वेल पूरा जो है, मतलब फसल जो है एक में पूरी कर दी है। तो इसी तरीके इसको मैनेज किया जाता है, बीच में जो जगह ये चलने के लिए रखी जाती है, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो अभी आपको खरपतवार भी नज़र आ रहे होंगे, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पूरा माल इस तरीके से पहले लेडीज़ लोग तोड़ के रख दिए हैं। अगर एक 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 बीघा आपको तोड़ रहे हैं तो 5-6 लेडीज़ बहुत है, और 4-5 जेंट्स आपको लगेंगे। इस तरीके से पूरा माल निकाला, यहाँ पे बीच में निकाल के पूरा ये कैरेट में पहले भर दिया जाता है। कैरेट में भरने के बाद सीधा गाड़ी में जाता है, गाड़ी से मार्केट जाता है। तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, पहले व्यापारी आता है, माल देखता है, अगर उसको पसंद पड़ गया तो वो ले जाता है, अगर नहीं पसंद है तो खुद ही हम लोग मार्केट ले जाते हैं। तो माल तोड़ते समय छाट छाट के पहले तोड़ा जाता है। तो किसान भाइयों, इस फसल में जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या ध्यान देना पड़ता है, वायरस का माल और सुंडी ने जो है चाट लिया होता है उसके माल के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये चुन चाट लिया है सुंडी ने, तो इस तरीके से अगर चाटा हुआ है तो मार्केट में नहीं चलता, लोग इसको लेने में पसंद नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं कि गंदा हो गया, अंदर कीड़ा घुस गया। लेकिन इसको अंदर से कुछ नहीं होता, ऊपर से चाटा रहता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है स्प्रे करते समय कि सुंडी उंडी हो तो उसका नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो वायरस का भी माल ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप चंबू टाइप में रहता है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इस टाइप से जो है यह ऐसे रहता है, ये छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं होता और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसको वायरस का माल करते कहते हैं। तो वो माल अलग निकालना पड़ता है मार्केट में, उसको कोई लेता नहीं, रिजेक्ट हो जाता है, उसको निकाल के फेंक देना पड़ता है। तो दोस्तों, इस फसल के बारे में बताना चाहूँगा, जब इसका 65-70 दिन हो जाता है तो इस तरीके से सूखी जाती है, तो नया कोई लगा रहा है बंदा तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लाइफ साइकिल ही उतनी रहती है। तो उसके बाद ये फसल सूखने लगती है, उसका पौधा सूख जाता है। यहाँ पे भी पूरा सूख गया है, इसको काफ़ी दिन हो गया है, बरसात भी होगी उसकी वजह से, पाउडर मिल्ड्यू जैसे रोग आ गए थे उसकी वजह से सूख गया पूरा। अब बात करते हैं इसके मार्केट की, किसान भाइयों, तो इसका मार्केट कब रहता है, मार्केट हमेशा गर्मी में रहता है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में आए, ठंडी में ये चीज़ ना आए। अभी आ गई है, उन्होंने मार्केट था, फिर भी अभी ज़्यादा ठंडी पड़ने की वजह से लोग इसको खाने में पसंद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट अभी 8-9 रुपये चल रहा है। लेकिन अगर गर्मियों के सीज़न में देखा जाए तो 10-15 रुपये चलता है इसका मार्केट, जो यही रहता है 7-8 रुपये से लेके 15 रुपये तक, कभी कभी जाता है ऊपर भी, लेकिन ज़्यादातर यही ऐसे ही रहता है 10-15 रुपये के बीच में। वो भी अच्छा मार्केट है, अगर आप कम खर्चा करके अच्छा प्रोडक्शन लाएंगे तो वो आपको फ़ायदा दे के जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि हमेशा दिसंबर जनवरी में फसल अगर आप लगाएंगे तो फरवरी मार्च में आएगी आपके, और मई में आएगी, तो गर्मियों के सीज़न में लोग इसको खाने में पसंद करेंगे, आपको मार्केट भी अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो इनकी फसल अभी 2 महीने पहले लगी थी, हम लोगों ने उसका वीडियो भी किया था, आप चैनल पे जाके देख लीजिए, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट की बात हो गई, अब इस ये वैरायटी जो है ये शुगर क्वीन वैरायटी है, मैंने आपको जो दिखाई अभी, ये इधर सेकेंड ग्रेड का माल बचा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का निकाला हुआ है उन्होंने, उधर से निकाल रहे अभी आधा उधा बचा हुआ है। तो शुगर क्वीन जो वैरायटी है एक एकड़ में निकलती है लगभग 20-25 टन निकलती है, इनका भी अनुमान है 20 टन के आसपास निकलेगी, इनका एक एकड़ है, 4,500 पौधा इसमें पूरा लगा हुआ है। अगर 20 टन निकलता है 8 रुपये से भी पकड़ लेंगे तो 1,60,000 के आसपास इनका हो जाएगा, 60-70 हज़ार खर्चा छोड़ दे तो 90 से 1 लाख रुपये इनको नेट बचत हो जाएगी।
हार्वेस्टिंग का खर्चा उसमें पकड़ लीजिए 4-5 हज़ार रुपये होता है, क्योंकि अगर आप 5-6 जेंट्स लगा रहे, 7-8 लेडीज़ लगा रहे, तो उतना खर्चा हो ही जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप चेन लगा के ये माल पूरा बाहर निकाल सकते हैं। अब किसान भाई माँ बात करते हैं मार्केट में गाड़ी कैसे भरती है, तो हम मैं भी भरता तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो नीचे ये पूरा बेल है, ये जो हनुमाना का, इसी को निकाल के आप गाड़ी में नीचे पहले भर दीजिए बचा कुचा हो, या तो गन्ने का जो कचड़ा रहता है, पत्ती रहती है सूखी हुई, उसको आप गाड़ी में भर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी कैसे भरी जाती है, गाड़ी भरते समय ये खबरदारी बरतनी पड़ती है कि नीचे में जैसे कि मैंने बताया, या तो वाटरमेलन का बेल ले लीजिए सूखा हुआ, या तो गन्ना का कचड़ा ले लीजिए इस टाइप से, जैसे ये देख सकते हैं इस टाइप से है। ये भी आइशर गाड़ी भरी जा रही है, 10 टन इसमें माल आता है पूरा, ये देख सकते हैं पूरा पूरा ऊपर तक भर जाएगी तो 8-9 टन आराम से 10 टन तक इसमें आ जाता है। ये गाड़ी अभी मार्केट जा रही है, अभी व्यापारी नहीं आया तो इन खुद ही भर के ले जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ज़्यादा ऊपर से भी इसको गिराएंगे तो फूट जाएगा, तो यहाँ पे भी माल शॉर्टिंग करना पड़ता है। अगर छोटा माल आ गया 2 किलो के नीचे, या वायरस का आ रहा है, या तो सुंडी ने चाटा हुआ आ रहा है, किसान भाइयों जब मार्केट सही रहता है तो कोई भी माल चल जाता है, लेकिन इस टाइम पे तो मार्केट कम है तो माल अच्छा ही देना पड़ेगा। किसान भाइयों इस तरीके से पूरी मैंने हार्वेस्टिंग जो आपको पूरा दिखाया वीडियो, तो किसान भाइयों मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसे लगा, और आपको हनुमाना पसंद है कि नहीं ये भी बता दीजिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।